नमस्कार दोस्तों, ऐसा कौन सा रीजन है जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट साइट्स इतनी जल्दी हैक हो जाती हैं? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे लाइक जरूर कर दें। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, किसी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। बिना कोडिंग के किसी वेबसाइट को यूज करना इम्पॉसिबल जाता है। तो गाइस, सेम चीज यही इंडियन गवर्नमेंट साइट्स के साथ होती है। जो डेवलपर्स, जो प्रोग्रामर्स वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वो पुराने इंडियन गवर्नमेंट साइट्स के जो कोड रहते हैं उन्हें कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं। अब इसलिए आपने देखा कि बहुत सारी वेबसाइट्स सिमिलर ही दिखते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट साइट्स एकदम सिमिलर दिखते हैं। का जो रीजन है वो यही है, और जो गवर्नमेंट साइट पे हैक हो जाती है उसका भी रीजन यही है, क्योंकि जो हैकर रहता है वो किसी एक वेबसाइट पे वर्नेबिलिटी ढूंढ लेता है, उसी वर्नेबिलिटी के चलते, उसी बग के चलते वो इंडिया की दूसरी गवर्नमेंट साइट्स को हैक करने में उसे बहुत कम समय लगता है और इजीली उस पे एक्सेस पा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि गाइस, जो बग निकलता है वो इंडियन की जो गवर्नमेंट साइट्स हैं वो बग्स को फिक्स भी नहीं करती, मतलब गाइस वो बग्स फिक्स करने में बहुत ज़्यादा लेट लगाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डेटा लीक हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। टेक केयर, बाय बाय।